और एक बार फिर आउट ऑफ पोजीशन किया पूरी तरह से यामागुची को, थोड़ा सा जब डिस्पेट टू सिंधु के फेवर में। ओहो, इस बार शटल को नीचे तो जरूर रखा, जबरदस्त पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर पीवी सिंधु, बैकफुट पर धकेलने की कोशिश यामागुची को। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपोनेंट के लिए एक इंडिकेशन होता है। ताई जुजिंग चीन ताइपे ने साइना नेहवाल को 21-17, 21-14 से हराया, खुद फाइनल में पहुंच गई और साइना नेहवाल को कांस्य पदक मिल गया। लेकिन पीवी सिंधु पहला गेम जीत चुकी हैं, यामागुची के खिलाफ दूसरे गेम में आगे हैं। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। यह वक्त है उनके साथ खड़े होने का और उनकी यथासंभव मदद करने का। नेट पर खेलने की कोशिश, थोड़ा सा ड्रॉप शॉट और इस बार नेट पर खेल गई, पॉइंट इंडिया को पहुंच चुकी हैं। ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर जीता था, पहली भारतीय महिला ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली और एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली भी वो पहली भारतीय महिला सिंगल्स में। साइना नेहवाल भी ने फाइनल से पहले की कड़ी यानी कि सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स जिसका आज नवा दिन, और अगर सिंधु फाइनल में पहुंचती हैं तो वो अपने आप में एक इतिहास होगा। अच्छे रिटर्न्स, एक पॉइंट और। वर्ल्ड रैंकिंग में भले ही जापानी शटलर एक रैंक ऊपर है लेकिन साइना नेहवाल जो के सेमीफाइनल में अपना मुकाबला हार चुकी हैं, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा है। और यहां पीवी सिंधु पहला गेम जीतने के बाद दूसरे में 7-5 की लीड। शायद अगर वो उन मुल्कों के ना होते जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के लिए जाने जाते हैं तो शायद भारत के मेडल्स का कलर सिल्वर ना होकर गोल्ड होता। एशियन गेम्स में सिंगल्स में लास्ट 16 तक का सफर तय किया है इंचोन में पीवी सिंधु ने, लेकिन अब उस सफर से काफी आगे निकल चुकी हैं 2018 जकार्ता में। ओ, इस बार वाइड खेल गई है, सामने वाले प्लेयर पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का, और अब लीड बढ़कर 2 पॉइंट्स की 12-10।
बहुत हाई खेला और जमकर स्मैश, आउट ऑफ रीच कर दिया जाए। और अगर स्मैश पे दम है तो शटल इतनी तेज और इतनी फास्ट आती है, रिटर्न सीधा गया नेट पर, लीड थोड़ी सी कम, और यही मौका है सिंधु के पास जब लगातार पॉइंट्स कुछ लेकर के आए और अपने को इस मुकाबले में स्थापित कर ले। काफी लॉन्ग खेल गई थी। यामागुची ने बहुत ही खूबसूरत रिटर्न किया, स्मैश सिंधु का लेफ्ट कॉर्नर पर कोर्ट के, और रिटर्न की कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ दो पॉइंट का फासला, ओ यहां पर ये दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये शटल कोई उठा भी नहीं सकता। सेवनटीन फोर्टीन जापान के फेवर में। पहुंच गया है गेम पॉइंट 15 पीवी सिंधु पे चढ़ते हुए। और इसके साथ ही ये गेम समाप्त, दोनों 8-4। पहली बार दो भारतीय महिलाओं ने बैडमिंटन के डबल्स में जगह बनाई। बाकी लाइन बढ़िया स्मैश खेला था, लेकिन उतना ही अच्छा रिटर्न यामागुची का। और कोर्ट में ट्रेवल करा रही हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न्स। शोर सुनने को मिलता है, ओ हो, जमकर चकमा दिया, और ऐसा एक बार नहीं दो बार किया है पीवी सिंधु ने। उनके हाथों का एक्शन ऐसा है कि यामागुची हर बार ट्रैप में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो लेफ्ट पे खेलेंगी, लेकिन एन एडवांटेज निश्चित तौर पर ले लिया है। 12-8। तो अब धीरे धीरे भारत यानी कि पीवी सिंधु आज वहां पहुंच रही हैं जहां इससे पहले कोई भी भारतीय महिला शटर नहीं पहुंच सकी। 19-10 एक मौका है सिंधु के पास। और इस बार वाइड, यानी कि मैच पॉइंट 10 पर आ गई है सिंधु। अब कोई चमत्कार ही यामागुची को इस मुकाबले में लौटा सकता है। ये मैच पॉइंट
और चूंकि मैच पॉइंट 10 है तो काफी मशक्कत करनी होगी यामागुची को अगर वो इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी। जीत की बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुकी है पीवी सिंधु और ये स्मैश, इसके साथ ही मुकाबला खत्म। भारत की पीवी सिंधु ने फाइनल में जगह बना ली है, एक नया इतिहास पीवी सिंधु के नाम। क्या जबरदस्त प्रदर्शन पीवी सिंधु का, अब वो फाइनल खेलेंगी एशियन गेम्स में। साइना नेहवाल सेमीफाइनल में पराजित हुई, ब्रॉन्ज लेने के लिए मजबूर हुई, लेकिन सिंधु के मेडल का कलर या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। पूरे भारत की उम्मीद है कि ये गोल्ड हो, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बैडमिंटन में भारत का शानदार प्रदर्शन और इस प्रदर्शन को हमेशा याद रखा जाएगा। तो विमेन सिंगल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने 2-1 से जीत दर्ज की और अब हम चलते हैं हॉकी।